आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। टोटल यहाँ पे अच्छे सारी वैकेंसी कवर करी है, परमानेंट पोस्ट एंड सैलरी बेस पे काफ़ी अच्छा रहेगा, तो डिटेल वीडियो कवर करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई। रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई आपके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से। यहाँ पे आपको अपनी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ये दे रखे एडवर्टीजमेंट नंबर 35 और 13th of March को रिलीज करी गई थी। यहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है एंड ये आपका PDF रहेगा। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 26th of April एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 27th of March से। बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं एंड यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, 11 वैकेंसी है। 11 वैकेंसी में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, SC ST अनरिजर्व एंड सो ऑन कैटेगरीज। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें 8 वैकेंसी है। फिर आती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। केमिकल इंजीनियरिंग में 1, मटेरियल इंजीनियरिंग में 10, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 5, इंग्लिश में 4, मैथ्स में 6, मैनेजमेंट में 2, इकोनॉमिक्स में 3, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4, माइनिंग इंजीनियरिंग में 1। तो टोटल हो जाती है आपकी 65 वैकेंसी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, लेकिन रिलैक्सेशन मिल जाएगी फिर बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दे रखा है अगर आप इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अगर PG डिग्री है तो आप सिर्फ उसी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ वालों में PG डिग्री प्लस नेट की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। PhD मैंडेटरी नहीं होती है लेकिन डिज़ायरेबल में काउंट होती है, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन मेंशन कर रखा है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यहाँ पे आपका। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, रिटन टेस्ट होगा आपका 200 मार्क्स का एंड उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा 25 मार्क्स का। तो रिटन टेस्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ये आपको डिटेल दे रखी है कैसे आएंगे, कौन से एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होगा। तो जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है विल बी एज़ पर गेट सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग एंड नेट सिलेबस फॉर बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस भी रहेगी, लेकिन जिन्होंने पहले इसके लिए अप्लाई कर रखा है, जो जिनके पास GA डिपार्टमेंट लेटर का, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं पे करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा और डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है कि कोई आप पहले सर्विस करते हो तो उस रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सोन कौन से सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, वो डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अगर सिंगल चाइल्ड हो, सिंगल गर्ल डॉटर हो तो यहाँ पे आपको क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, तो वो डिटेल दे रखी है। आप इस पूरी नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप अपने PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, एज वेल एज आप अपने PDF को रीड कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल साइट में देखने को मिल जाएगा, इवन आपको वेबसाइट की साइट में भी देखने को मिल जाएगा। तो अप्लाई करिए, प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।